एक बुजुर्ग औरत मर गई, यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नर्क के बारे में बहुत सुना है, मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहां नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाए, ये पतीला 100 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है, शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने व खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले कि इसमें बहुत टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उनसे बोली, पर ये पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे, उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे, पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति फिर बोला, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं, हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथ में ही सौंप रखा है, चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है, उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी है, उन्हें खीर हाथ में चाहिए, वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल है, क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है, जो कर्म करेगा मेहनत करेगा उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो, बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे इतना सोचो, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।